मोबाइल यहाँ रखो ना इस साइड, इधर ज्यादा बैटरी शो नहीं लग रहा है। नमस्कार है आप सभी को, जो लोग भी हैं वो फटाफट थोड़ा जुड़ जाएं, कुछ बात करनी है आप सभी से। धीरे धीरे सभी लोग जुड़ेंगे और मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग जो है फटाफट थोड़ा जुड़ जाएं, थोड़ी बात करनी है मुझे आप लोगों से। अनुराग दुबे वांट्स टू जॉइन योर वीडियो। जो भी लोग हैं आप सभी जुड़ जाएं, अभिमन्यु सिंह जी और भी बहुत सारे लोग हैं। अनुराग दुबे नमस्ते प्रणाम, आप सभी को मेरा नमस्कार है। शरीर भोजपुरी युवा समाज भोरे वेलकम। तो थोड़ा थोड़ा वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि कुछ बात करने में बड़ी आसानी हो, क्योंकि आजकल संजय सिंह जी, चंदन सिंह राजपूत, आजकल कुछ लोगों के दिमाग में जरूरत से ज्यादा कीड़ा जो है वो दौड़ रहा है। तो ऐसे लोगों के दिमागी कीड़ों को जो है कम करने की जरूरत बहुत ज्यादा हो गई है, और लोगों को लगता है कि कुछ भी बोल के, किसी को कुछ भी कहकर निकल जाएंगे और कोई कुछ बोलेगा नहीं। तो उन लोगों को इस लाइव के माध्यम से इतना ही मैसेज है मेरा कि अपनी हद में रहो। और आप सभी जुड़ जाएं ताकि पूरी बात जो है आप लोगों से जो है मैं कहूंगी, पूरी बात कहूंगी, तो आप सभी जुड़ जाएं मैं चाहती हूं, इसीलिए मैं लाइव आई हूं। क्योंकि आजकल लोग एक शगुफा पढ़ने लगे हैं कि अगर कोई बात थी तो बताना चाहिए था, कुछ था तो वो कहना चाहिए था। संदीप यादव, दीप नारायण नमस्ते, कहना चाहिए था, बोलना चाहिए था। तो ठीक है, कहते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, जरूरी है ऐसे लोगों को सुनाना। इनके कान, इनके जबान में और दिमाग में बहुत ज्यादा दर्द है, और आजकल कुछ लोग अपने आप को जो है ये समझ बैठे हैं कि हम भगवान हैं, कि हमको भगवान मान लीजिए आप। पवन व्यास, मुझे भगवान मान लीजिए और नतमस्तक हो जाइए। तो वो और लोग होंगे जिनको वो लोग नतमस्तक कराते होंगे। हमारे जैसे लोगों से उम्मीद करना भी जो है ना, उनको ज्यादा दर्द हो जाएगा, जरूरत से ज्यादा। अशोक समरोथा जी, राजेश जायसवाल जी, आज मेरे कुछ पोस्ट से लोगों को बहुत ज्यादा जो है वो तकलीफ हो गई है, दिमाग में तकलीफ हो गई है, दर्द हो गया बहुत ज्यादा। और मेरे लाख मना करने के बावजूद मैं हमेशा पोस्ट करती हूँ, ऐसा नहीं है कि पहली बार मैंने कोई पोस्ट किया है, मैं हमेशा से पोस्ट करते आई हूँ और हमेशा अपनी बातों को रखते आई हूँ। अगर बातों को रखना इतना लोगों को चुभता है तो आप सोचिए कि हम किस समाज में रह रहे हैं। हम स्वतंत्रता की बात करते हैं, स्वतंत्रता सिर्फ उन लोगों की है जो रंगदारी वाले मिजाज में हमेशा रहते हैं। उनको लगता है कि उनके हिसाब से समाज चलेगा, उनके हिसाब से सारे लोग चलेंगे, वो सिखाएंगे कि हमको क्या बोलना चाहिए, हमें क्या नहीं बोलना चाहिए। आप जो मनाए वो करें, कोई आवाज भी नहीं उठा सकता। आवाज उठाएगा तो उसे समझाया जाता है कि आप चुप रहिए, आप बोलिए मत। तो ऐसे लोगों को थोड़ी तमीज सीखनी पड़ेगी, बहुत जरूरी है तमीज सीखना कि
कि बोलने से पहले आपको 10 बार सोचना पड़ेगा कि हर कोई ऐसा नहीं होता, किसी को भी आप बोलने के हकदार नहीं होते हैं। आज मैंने आप सभी ने देखा होगा कि मैंने एक पवन व्यास जी और कुछ लोग भविष्यवाणी करते फिर रहे हैं कि तुम कभी कलाकार नहीं बन सकती। वाह, मुझे समझा रहे हैं लोग। आप मुझे समझाएंगे? और क्यों समझाएंगे आप मुझे? आप मेरा नसीब लिखेंगे? पहले खुद का नसीब तो लिख लो। इतने बड़े पैरोकार बने हो, अगर खुद का नसीब खुद ही लिख सकते हो तो खुद लिख लो ना, मेरी क्यों लिखने पे तुले हुए हो? एक व्यक्ति हैं जिनको मैंने समझाया, मेरी एक पोस्ट पर आकर जो है उन्होंने एक कमेंट लिखा, जो मेरे ऊपर पर्सनल कमेंट उन्होंने किया। मैंने उनको यही कहा कि आप जो है मुझे पर्सनल कमेंट मत कीजिए, आपको जो भी लिखना है, आपका विरोध है, आपका आपकी जो भी चीजें हैं तो आप उस पर कमेंट कर सकते हैं, लेकिन पर्सनल कोई बात मत लिखिए। मैंने उनकी आईडी जाकर चेक की तो मुझे लगा कि ओह, तब मुझे समझ में आया कि एग्जैक्टली इनको दर्द कहाँ हुआ। तो मैंने उनसे बस यही कहा कि आप मेरे से लगिए मत, आपको जहां जो बात करनी है आप वहां पर वो बात करिए, लेकिन पर्सनल कमेंट मत करिए, क्योंकि मैं किसी को व्यक्तिगत तौर से कभी भी आक्षेप नहीं लगाती, किसी के विषय में कुछ नहीं लिखती। उसके बाद वो लगे अपने रंग में बात करने, अपने रंग में बात करने लगे, और रंग में बात करते करते वो उस जगह पर पहुंच गए जहां उनको पहुंचना भी नहीं चाहिए था। मैंने उनको उनकी फ्रेंड लिस्ट चेक की और जो भी लोग मेरे उनकी फ्रेंड लिस्ट में मेरी पहचान के थे, मैंने उन लोगों को कहा कि इस बंदे से बात करिए, इसको बोलिए कि तमीज से बात करे। मैंने उनको बोला कि ये तो फिर वो कहता क्या है कि जैसे फोन करावत हो ना, हमारे बारे में पता करत हो, ये वो बोलने लगा। मैंने कहा पता नहीं करवा रही हूं, बल्कि तुम तक मैसेज पहुंचवा रही हूं कि तुम फालतू की बातें मत करो, बकबक मत करो मेरे साथ में। ना मैं किसी को पर्सनल कमेंट करती हूँ, ना कोई मुझे पर्सनल कमेंट करे, मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मैं कभी किसी को पर्सनल कमेंट नहीं करती, और कभी पर्सनल कमेंट करती हूँ तो पर्सनल सुनने की हिम्मत भी रखती हूँ मैं। तो उसने एक शब्द बोला मुझे कि जाइए आकांक्षा के पास, खुश रहिए। मैंने कहा मतलब? तो कहता क्या, जाइए आकांक्षा के पास, खुश रह तू। तो मैंने कहा आकांक्षा के पास खुश रहने का मतलब क्या है? तो कहता क्या है कि ढेर चिंता मत करा, 10 दिन में आवत हुआ, ठीक है, 10 दिन में अंदर से बाहर आ जाइ, फिर ढंग से तुमसे मिलब। तो मैंने उसको बोला कि तुम मुझे जान से मार दोगे, धमकी दे रहे हो। तो कहता क्या है कि हम धमकी दे थे, तो बहुत रंगदारी में बात कर रहा है। तो पहली बात कि मैं वो नहीं हूं जो तुम मुझे समझने की गलती कर रहे हो। मुझे कह रहा है कि मतलब एक लड़की को गवाएंगे और उसको स्टार बना देंगे, आकांक्षा को स्टार बना दिए ना तुम लोग, और अब बोल रहे हैं तो तुम लोगों को मिर्ची लग रही है? सारा माई कलाल अभी तक तो ये परेशान था कि कोई आपके पास साक्ष्य नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है, जब साक्ष आ गया तो मिर्ची लग गई सबको। मेरी सुबह लिखी हुई बात सच साबित हो गई, मैंने ऐसा कुछ सोच के नहीं लिखा था, लेकिन मैंने लिखा था ना कि जब प्रकृति जो है प्रामाणिकता पर उतर आती है ना, तो 10 दरवाजे के पीछे छुपा हुआ सच भी सामने आ जाता, और आज आ गया। लेकिन अभी भी मसला जो है वो ये है कि आत्महत्या नहीं, हत्या है, और इसमें जो भी दोषी है जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जो भी जो जिसे लगता है कि वो निर्दोष है वो निष्पक्ष जांच की बात करे, और अगर समर निर्दोष है तो वो निर्दोष साबित होगा। उसके लिए मुझे धमकाने से या मुझे ये बोलने से कि 10 दिन में छूट के आ जाइए, तो वह लिखा जवन लिखे के चाहिए, हम बात वो नहीं है। जब इतने सारे लोग जब आकांक्षा की तरफ खड़े हो गए थे, आकांक्षा के अगेंस्ट में समर के साथ खड़े हो गए थे, तो हमने कहा था कि आप क्यों खड़े हैं? मैंने बोला था
मैंने कुछ नहीं बोला ना, लेकिन अगर कोई उसके पीछे पीछे खड़ा है या उसके पक्ष में खड़ा है या उसके पक्ष की बात कर रहा है तो आप उसको थ्रेट करोगे कि चिंता मत कर, तू आकांक्षा के पास जा रहा, खुश रहा, ढेर मत बोला। उसका आईडी है, जितने भी आप लोग यहाँ पर बैठे हैं ना, उसका आईडी है मनु महाराज के नाम से, बक्सर का है। जब मैंने बोला कि मनु महाराज हो बक्सर के हो तो कहता नहीं है, मिटली से है, जापान से है, कलकत्ता से है, इतनी तो तुम्हारी औकात है, इतनी सी छोटी सी तुम्हारी औकात है, लेकिन तुम बढ़ चढ़ के इतना बोल रहे हो। हमने कहा तुम भगवान हो तो कहता मान लीजिए हमको भगवान, अब इतना तुमको गुर्दा है तो तुम अपना नंबर दो ना मुझे, नंबर मत दो, तुम जो है अपना एड्रेस दो, समझ लेते हैं हम। और एक बात याद रखो कि जो लिखा होगा ना वो ब्रह्मा भी नहीं डाल सकते, लेकिन तुम धरती का भगवान बनने की कोशिश मत करो। और भोजपुरी के लोग तो खासकर अपने आप को भगवान समझने की गलती ना करके हम किसी का नसीब बना देंगे। अरे पहले तुम अपनी देखो यार, खुद का पता नहीं है, दूसरे को चले हो बात करने, खुद का ठिकाना तुम्हारा है नहीं, तुम दूसरे को ज्ञान ज्ञान दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो। मुझे कहोगे कि तुम आप आकांक्षा के पास जाइए खुश रहिए, हम क्या मार दोगे? तो कहता क्या है, हम गुंडा थोड़े हैं, तुम क्या धमका रहे हो मेरे को? बोल रहा चिंता मत करिए, 10 दिन के अंदर जो है बाहर आ रहे हैं। तो तू मुझे क्यों सुना रहा है कि 10 दिन में वो बाहर आ रहे हैं, क्यों सुना रहा है तू? इसीलिए मैंने तुझे ब्लॉक नहीं किया है, तू किधर भी होगा ना तो सुनेगा, अभी नहीं सुनेगा बाद में सुनेगा, लेकिन तू सुनेगा। मेरे से मत उलझ, मैं बता दे रही हूँ। ऐसे ही हम संस्था नहीं चला रहे हैं, और ऐसे जो आप जैसे तुम्हारे जैसे बागड़ बिल्ले लोग जो दिमाग से ज्यादा सनके हुए हैं ना, वो लड़कियों को थ्रेट करते हैं कि जान से मार दोगे तुम लोग, ये कर दोगे वो कर दोगे, गुंडाई है तुम लोगों की, गुंडाई करोगे खुलेआम कि कोई कुछ भी बोलेगा तो तुम्हारे कह रहा है कि फालतू लिखोगी तो हम बोलेंगे ही, हम के मेरा पैसा मेरी आईडी में चाहे जो लिखूं तो कह स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक है, कहीं भी किसी को भी बोल सकते हैं। हमने कहा तुम स्वतंत्र हो? प्रदीप भट्टाचार्य जी आप बैक टू में जाके सुन लीजिएगा, मैं अभी पूरी चीजें डिस्क्राइब नहीं कर सकती प्लीज। तो मुझे लिख रहा है कि बहुत सारी चीजें जो है घुमा फिरा के जो है वो लिख रहा, तो घुमा फिरा के नहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा है कि 10 दिन में आवत हुआ, 10 दिन में तू फरिया लिया, ठीक है फरिया लेंगे, देखते कौन है, रवैया बना लिए हो, कोई लड़की आएगी उसको अपने तक सीमित रख लोगे, फिर उसके बाद जो उसके साथ ये करोगे। आज जो मैंने पोस्ट किया, बोलने वाले को नजरअंदाज नहीं कर सकते, कोई मुझे ये कहेगा कि वो मुझे जान से मार देगा मैं नजरअंदाज कर दूं, प्रदीप जी क्या बात करते हो आप, पहले बात को समझने की कोशिश करें। मैं हमेशा सबकी बहुत इज्जत करती हूं, लेकिन बिना बात को समझे मैं क्यों गुस्सा हो रही हूं क्यों नहीं हो रही हूं उसके पीछे लॉजिक है। आज मैंने किसी लड़की को जिसको भी गलत उसके साथ हो गया, उसने आत्महत्या कर ली या हत्या हो गई उसकी, वो सब जांच का विषय है। एक पूरे बनारस में हर व्यक्ति जो है वो समर के साथ खड़ा है, और उसके पक्ष से कोई है ही नहीं, आकांक्षा दुबे के पक्ष से उसकी रोती रोती बिलखती माँ घूम रही है। अगर मैंने उसके पक्ष से बोला तो इन सबों को मिर्ची लग रही है, किसी के घर का परिवार का उसका बच्चा चला गया, इन सबों को रंगदारी सूझ रही है। प्रदीप जी प्लीज, गाने वाले आदमी का सेंटिमेंट नहीं होता क्या, वो हमेशा 24 घंटा गाता ही रहेगा? प्लीज मैं अभी कह रही हूं कि अभी इस तरीके के मैसेजेस के मूड में मैं नहीं हूं, मैं हमेशा बहुत प्लीज बात करती हूं, सबकी बहुत इज्जत करती हूं। महावीर सिंह जय भवानी, उषा मिश्रा पांडे गायक सुनील शुभ, जांच हो, बिल्कुल जांच का विषय है, लेकिन वो मुझे कहता क्या है कि तुम भी आकांक्षा के पास जाओ खुश रहो, चिंता मत करा, जो 10 दिन में वो आवत हुआ, बहरे आवत हुआ, अंदर से बहरे आवत हुए।
इसका क्या मतलब है? उनका काम है, यही धंधा आजकल कर रहे हो, गाना बजाना छोड़ दिए हो? गाना बजाना छोड़ दिए हो तो बोलो, फिर तुम्हारी भाषा में तुमसे निपटे। मैं बैकफुट वाली नहीं हूं, मैं जो बोलती हूं बहुत सही तरीके से बोलती हूं। मेरे से मुंह मत लगो, और जो गलत होगा सही होगा वो सामने आएगा। लेकिन तुम लोग सोशल मीडिया पे कोई उसके उसके फेवर में लिख दिया। आज मैंने वो वीडियो शेयर की जिसमें जो है वो उसने बोला, आकांक्षा दुबे ने अपने वीडियो में बोला, अपने इंस्टाग्राम के जो है वो उसके स्टेटस में था, उसने बोला कि अगर मुझे कुछ होता है तो ये जिम्मेदार होंगे। इस तरीके का जो है एक वीडियो मिला, जिसको कि पहले ऑफिशियली जो है वायरल किया गया, उस वीडियो को मैंने अपने यहाँ पोस्ट किया और मैंने बस इतना लिखा कि कौन कितना दोषी है। उसके ऊपर इसका दिमाग चढ़ गया, अपने आप को बड़का महाराज समझता, बोलता मेरे को भगवान समझ लो, दो जूता मारूंगी, याद रखो दो जूता मारूंगी पकड़ के। और जो तुम कलाकार बनाने का और उसको पैदा करने का और उसको स्टार बनाने का तुम लोग जो धंधा खोल के रखे हो ना, तो जूते से मारूंगी, याद रखो। तुम जैसे लोगों को इतने जूते लगेंगे ना कि तुमको छठी का दूध याद आ जाएगा। नई नई लड़कियों को इस तरीके से तुम लोग जो है परेशान करते हो, और फिर अगर उसके पक्ष में कोई बोलता है, आधी से ज्यादा कोई भी आज नहीं खड़ा। मैं भी जानना चाहती थी कि ऐसी क्या बात है भाई कि कोई उसके पक्ष में खड़ा होने को नहीं तैयार है, जो उसके साथ, जो आकांक्षा दुबे के साथ काम करता है वो भी उसके पक्ष में खड़ा होने को तैयार नहीं, ऐसी क्या बात है? ऐसा दहशत किस बात का? तो आज मैंने एक पोस्ट कर दिया और वो वीडियो पोस्ट कर दी, कौन कितना दोषी है मुझे सबसे जवाब चाहिए, तो मेरे को बोलता क्या है कि तहूं जा आकांक्षा के पास जाके खुश रहा, चिंता मत करा, 10 दिन में बहरे आवत हुआ। उंगली मत करो वरना बांस कर दूंगी, याद रखना तुम। जब हम सामने आ जाएंगे ना तो फिर हर मीडिया पे हम ही नजर आएंगे। आपकी आकांक्षा वाली पोस्ट देखकर बहुत पीड़ा हुई, ये इंसान कैसे है आज का? आकांक्षा समर सिंह, जो भी होगा अपने लिए होगा, दूसरों के लिए कुछ नहीं है। ये जो लोग भी हैं तमीज से रहें, हर किसी के साथ में सोचेंगे, रंगदारी करेंगे ना। हम जब दूसरे के लिए खड़े हो सकते हैं दूसरे के लिए खड़े हो सकते हैं इस तरीके से, तो तुम हमको धमकाने चले हो कि हमको आकांक्षा के पास भेज दोगे। अंडे हो फूटे नहीं हो, समझे? दिमाग ज्यादा मत वो बढ़ाओ तुम लोग अपना। अभी तक मैं नहीं बोलना चाहती थी, मैंने कभी भी किसी पोस्ट में नहीं कहा कि समर दोषी है या इस तरीके की, किसी पोस्ट में मैंने नहीं कहा। मैंने हर बार कहा, अपने इंटरव्यूज में भी जिन लोगों ने कहा तो मैंने यही कहा कि वो भी कलाकार है, किसी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। अगर उसके बाद भी अगर तुम लोग साले रंगदारी मुझे दिखाते हो ना, तो समझ लो Who I am? रियल देने बेटा, याद रखो तुम हमको ऐसा ऐसा वैसा मत समझो। तुम भगवान बनते हो तुम? साले औकात तो है नहीं अपना एड्रेस देने की। जब बोल रही हूँ तो कह रहे हो इटली में रहते हो, कलकत्ता रहते हो। साला खाने का भी तुम्हारा ठिकाना होगा कि नहीं? या तुम कलकत्ता इटली बता रहे हो, जापान बता रहे हो? 22 साल हो गए इंडस्ट्री में, 22 साल इंडस्ट्री में हो गया। कह रहे कि चुनरी ओढ़ के जो है सड़क छाप तुम्हारे जैसे, हमको कह रहा है कि तुम्हारे जैसे सिंगर नाचती फिरती हैं। अबे साले तू एड्रेस बता ना, फिर देखती हूँ कौन नाचता है। तुमको क्या लगता है आज की भोजपुरी की जो गायिकाएं जैसे बन रही हैं, वैसे बने हैं हम? हमारी जो औकात तुम नापने चले हो साले, बहुत लोगों को नाप देंगे। और जिनके पीछे, जिनके लिए बोल रहे हो ना, वो बच्चे हैं अभी हमारे सामने। गुंडई में भले जो है किसी को जो है गुंडई में पाले होंगे, किसी के गोद में बैठ के सिंगर नहीं बनी हूँ, समझे? जो गोद में बैठ के सिंगर बनता होगा उसको तुम साले लोग जो है ना बनाते होगे सिंगर।
तो हमारे से दूर ही रहो तो ज्यादा अच्छा है। हम जो है बोलते ही नहीं है, खाली समझा रहे हैं तो समझ जाओ। एड्रेस बताओ ना, इतना गुर्दा है तुम लोगों के अंदर तो। खाली लड़कियों के जो है मैसेंजर पे जा जाके उनको थ्रेट करते हो कि तुम मत बोलो, तुम बोलोगी तो तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, तुम बोलोगी तो तुम्हारे साथ वो हो जाएगा। थ्रेट करोगे तुम लोग, इतना तुम लोगों का मन बढ़ गया है, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। नए नए लोगों को बहुत शौक चढ़ा गया है लोगों को कि बड़का सिंगर सिंगर पैदा कर रहे हैं लोग। कह रहा तीन महीने किसी को गवाऊंगा उसको स्टार बना दूंगा, तुमको मैं श्राप देता हूं कि तुम कभी सिंगर है। अरे जा, तू श्राप देगा, तेरे जैसे लुच्चों का जो है श्राप लगेगा मुझे। तू महादेव की नगरी में पली बड़ी हूं, समझा, तेरे जैसे श्राप देने वाले ना आगे पीछे घूमते हैं। अभी जाना नहीं है तुमने, लौंडे हो इसीलिए नहीं जानते हो मुझे। मैंने हमेशा कहा मैं बहुत सभ्यता में बात करती हूं, लेकिन तुम मुझे जिस शब्द में बात करोगे उस तरीके से मिलने की हैसियत रखती हूं मैं। तो अपने दायरे में रहो मनु महाराज, बीजेपी से प्रदेश वक्ता रह चुके हैं, ठीक है। मनु महाराज जो हो ना तुम, मनु महाराज तुम्हारा नाम है, तो मेरे से, तुम्हारे बिहार से जहां से हो ना तुम, वहां से प्रदेश प्रवक्ता रह चुके हैं बीजेपी से। अभी हमको जो है अच्छा अच्छे से जान नहीं रहे हो तुम। और एक बात याद रखो, मैं नपुंसक लोगों के फेवर की जो है मुझे चिंता नहीं होती है, जो एक लड़की के फेवर में नहीं खड़े हो पाए। समझ में आया, नपुंसकों के बीच रहना भी नहीं पसंद करती हूं मैं। यहां पर तुम लोग यही सारी जो है उल्टी सीधी बातें करते हो, गंदी बातें करते हो, गंदी सोच वाले लोग हो, हमेशा गंदी ही बातें करते हो तुम लोग। तो सोचते हो कि किसी भी लड़की को बोल के निकल जाओगे, किसी भी महिला को बोल के निकल जाओगे। और काट तुम लोगों का इतना बढ़ गया है, दो चार लड़कियों को इस तरीके से थ्रेट करके चुप करा लिया, आज आकांक्षा दुबे को इस हद तक तुम लोगों ने पहुंचा दिया। और सारे लोग जो है उसके मरने के बाद भी, और वो जो चार पांच लड़कियां हैं अपने बाबू सोना को, सोना की जो मतलब जो है वो कर रही है ना कैरेक्टराइजेशन, तो शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। कल तुम्हारा नंबर आएगा, तुम्हारा नंबर आए ना आए मुझे उससे मतलब नहीं है, फर्क पड़ता। तुम जैसे लोगों को ना, जो लोग मरने के बाद भी उस लड़की को नहीं छोड़े उसके बारे में इतना उल्टा सीधा बोल रहे हैं, इतना उल्टा सीधा बोल रहे हैं, ठीक है, नहीं बोला किसी ने कि भाई चलो तुम्हारी जो सोच, लेकिन मैंने अपनी सोच सामने रखी, अपनी बात मैंने शेयर की, मैंने अपनी बात कही। तो तुम मुझे कहते हो कि आकांक्षा दुबे के पास चली जाओ, दस दिन में वो छूट के आ जाएगा, मुझे समझा रहे हो। दूसरे का वीडियो लगा के तुमने गंदा, पहले तो तुम्हारी इतनी औकात नहीं है, तुम जो है बागेश्वर महाराज जी का फोटो लगा के जो है तुम मुझे थ्रेट कर रहे हो, अपने आप को कहते हो क्या मैं उनका चेला हूं। अरे जिसको पूरा समाज जो है सम्मान देता है उसका चेला इतना गिरा हुआ। तो मनु महाराज, अगर वाकई में तुम्हारे अंदर गुर्दा है ना, जो वाकई तुम्हारे अंदर अगर गुर्दा है, तो अपनी डीपी लगाकर अपना एड्रेस देके बात कर। और जिसका नाम लेकर तू मुझे थ्रेट कर रहा है ना, अगर तेरे जैसे नपुंसक उसने पाल रखे हैं ना, तो फिर भगवान ही उसका मालिक है। मॉर्निंग में तुम्हारे सामने हम पाएंगे, ठीक है। डीपी लगा एड्रेस दे, सुबह तुम्हारे दरवाजे पर आएंगे हम, सुबह सुबह तुम्हारे दरवाजे पे तुमको मिलते हैं। हमारी हिम्मत देखना चाहते हो ना, अपने आप को भगवान समझ रहे हो कि मुझे भगवान मान लो, जूता मारूंगी जूता। संजीव तिवारी जी एक मनु महाराज नाम का एक कोई आदमी है जिसने मुझे जो है मैंने पोस्ट डाली थी उस पर उसने आकर वो डाली, अभी भी वो कमेंट होगी क्योंकि मैंने उसको ब्लॉक नहीं किया, जानबूझ के ब्लॉक नहीं किया, मैंने पोस्ट डाली है वहां पर भी उसका है। मैंने एक अपनी स्टोरी लिखी थी वहां पर, स्टोरी था वहां पर, मैंने जो है स्टोरी डाली थी जहां पर मैंने लिखा कि लोग सच सुनना चाहते हैं
और सच बोलो तो लोग बुरा मान जाते हैं। तो पहले खुद डिसाइड कर लो कि क्या करना है। आप सभी ने मेरी स्टोरी देखी होगी, वहीं पर जाकर उसने लिखा, तो मैंने बहुत उलझुल लिखा। देखो भाई, मुझे ऐसी उल्टी सीधी बातें सुनने की आदत नहीं है, ठीक है। मैं बहुत साफ तरीके से, जो लोग भी मेरे से जुड़े हैं ना, मैं किसी से संस्कारहीन भाषा में बात नहीं करती हूँ, ना मुझे पसंद है कि कोई मुझे बात करे। रेते तो मैं करती नहीं हूँ, कभी नहीं करती हूँ। लेकिन अगर मुझे कोई जो है रेते करके बात करता है तो वो मेरे बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। ना तो इस ऐसे संस्कार के लोग हम लोग हैं, और ना ही हम लोग इस ऐसी पृष्ठभूमि के लोग हैं कि कोई हमको कुछ भी कह दे। मैं बिल्कुल ऐसी नहीं हूँ, ना मैंने जीवन में ये सीखा है, ना हमको ऐसे संस्कार मिले हैं। और अगर मुझे कोई बोलेगा तो मेरे से 10 गाली सुनेगा। मैंने बोला ना, शस्त्र और शास्त्र दोनों जानती हूँ, तो मुझे उल्टे सीधे शब्द पसंद नहीं है। मैंने उसको बोला कि तुम्हारे जैसे बेहुदों की जगह यहाँ नहीं है, तुम निकल लो यहाँ से। उसके बाद मैंने उसको समझाने की कोशिश की कि तुम इस तरीके से कमेंट मत करो। वो शुरू हो गया तो रुक ही नहीं रहा है, लिखते जा रहा है तो तकलीफ तो, अब तुम ज्यादा बोलोगे तो तकलीफ तो तुमको होगी। जो लोग भी अभी ये कह रहे हैं कि मुझे नहीं बोलना चाहिए या ये सब चीजें हैं, कोई वो इसी तरीके से, हर नारी अबला नहीं होती है, याद रखना इस बात को। और अभी अभी कुछ दिन पहले जो है, लोग सोशल मीडिया पे बार बार लिख रहे थे, अरे उसको इतना तकलीफ थी तो उसने बोला क्यों नहीं, अगर कोई कुछ बोलने आता है तो कुछ लोग तो उसके सपोर्ट में खड़े होते हैं, कुछ लोग बोलते हैं अरे जाने दीजिए ना, छोड़ दीजिए ना। आज जाने दीजिए छोड़ दीजिए का ये नतीजा निकला है। और आज मैंने जब एक पोस्ट डाली तो कहता क्या तुम उल्टी सीधी पोस्ट डालोगी तो मैं बोलूंगा। और जब मैंने फोन करवाया उस बंदे को कि तुम इस तरीके से, किसी और से मैंने फोन करवाया, तो कहता क्या है कि मैं उनका समर्थक हूँ, अगर उल्टा सीधा बोलेंगी तो उनके साथ ऐसा ही होगा। गलत वीडियो तो मैंने नहीं डाला, एडिट किया हुआ नहीं है। और ना एडिट किया हुआ है। तो तुम लोग जो है नाचते गाते हर चीज का फोटो डालो, लेकिन कोई डाल देता है जो तुम्हारे खिलाफ साबित हो रहा है तो तुम थ्रेट कर रहे हो कि ऐसा पोस्ट डालेंगी तो ऐसा ही होगा उनके साथ। तुम हमको समझा रहे हो, हम खुद संसार चला रहे हैं। भोजपुरी आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन, नाम याद कर लो, भोजपुरी आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन। मैंने इसीलिए तैयार किया है ना कि तुम्हारे जैसे बागड़ बिल्लों को जो है ना लगाम दी जा सके। पता नहीं कब का वीडियो नहीं है, पूरी डिटेल्स हैं, ऐसा नहीं है कि कोई हवा में बात कर रहा है, एक महीने के अंदर का है। तो मनु महाराज, अगर तुम्हारा सही नाम है तो तुमको कहती हूँ कि सद्बुद्धि देती हूँ कि महाराज हो ना तो महाराज ही रहो, माफ कर देंगे हम, समझे। क्योंकि सनातन धर्म की बहुत इज्जत करती हूँ तो महाराज लोगों को माफ कर देती हूँ, लेकिन महाराज के जो है चोले में अगर तुम शैतान हो ना तो जूता से स्वागत करेंगे तुम्हारा, याद रखना। मैं जल्दी किसी के बारे में बोलती नहीं हूँ, और मैं अपने काम से काम रखती हूँ, और मैं कभी भी जो है ना, मुझे मैं क्या गाती हूँ क्या नहीं गाती हूँ तुम्हारे जैसे गधों से जानने की जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है। और जो तुम्हारा बहनोई और जो तुम्हारी बहन है ना, जाके उससे बात करो, मेरे से बात करोगे तो चप्पल खाओगे, याद रखना। मेरे से मत उलझना फालतू का, और जिसको पता है ना। यस, आई एम विद आकांक्षा दुबे, मैं आकांक्षा दुबे के साथ हूँ, आकांक्षा दुबे को सपोर्ट करती हूँ शुरू दिन से सपोर्ट कर रही हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि दोषी बाहर आए, निष्पक्ष जांच चाहती हूँ कि सही मायने में जो हत्या हुई है उसका दोषी बाहर आए। हाँ,
हम निर्देश को ठीक है, और मैंने कभी जिसको जो जेल में बंद है मैंने उसको कभी भी मेरी पोस्ट उठाकर देखो मंद बुद्धियों, ठीक है, मंद बुद्धियों में बोल रही हूँ, मंद बुद्धियों मेरी पोस्ट उठाकर देखो, मैंने तो यहां तक बोला कि जो जो खेमा उसको निर्दोष मानता है, जो खेमा उसको निर्दोष मानता है तो वो भी सीबीआई की जांच की मांग करे ना, जब वो चोर नहीं है तो, हम तो कह रहे हैं। कौन है आप, बताती क्यों नहीं दी? अरे बिट्टू बता तो रही हूँ, मनु महाराज नाम है उसका, इतनी बार तो बोला मनु महाराज नाम से एक आईडी है जिससे कि वो मुझे मैसेंजर में जो है मुझे समझा रहा है, कुछ जरूरत से जाता। तुम मुझे जो है इस तरीके से जो है मुझे समझाने की कोशिश मत कीजिए। तो मुझे फालतू का उकसाओ मत। नहीं, जाने वाला चला गया अनु जी, मैं भी मानती हूँ, लेकिन मैंने एक पोस्ट शेयर की। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम जाने वाला चला गया, हजारों लोग ये कह के खड़े हो गए कि समर सिंह निर्दोष है, समर सिंह निर्दोष है। अगर मैं उसकी रोती बिलखती माँ के साथ खड़ी हो गई तो मैंने कौन सा गुनाह कर दिया? पूरा इंडस्ट्री यहीं पर था, पूरा इंडस्ट्री यहीं पर था जब मैंने ये कहा कि चाहे वो हत्या थी चाहे आत्महत्या थी वो बात का विषय है, वो क्या पुलिस डिक्लेयर करेगी, न्याय प्रणाली डिक्लेयर करेगी, लेकिन उसके अंत्येष्टि संस्कार में भी जाने के लिए लोगों को न्योता चाहिए था। कलाकार तो थी ना, कलाकार तो थी ना, कलाकार थी। मैंने इस नाते जो है कुछ बोला तो लोगों ने यहाँ पे खड़े होके कहा कि अरे आप बहुत राजनीति कर रही हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि राजनीति की व्याख्या क्या है भोजपुरी इंडस्ट्री में। आप कर रहे हैं, आप बड़े बड़े आर्टिस्ट एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, उसकी माँ बहन कर रहे हैं, तब राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम किसी अच्छे कॉज पर बात कर रहे हैं तो हम राजनीति कर रहे हैं। यहाँ पे समस्या ये है कि आप उनसे दबे रही है, तो भाई दबे रहना होता ना तो बहुत पहले दबे रहते। 20 साल दिए इंडस्ट्री को, अब कोई माइका लाल ऐसा नहीं है जो 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 जिसके साथ गाय नहीं है, ठीक है, लेकिन हमको ना चप न तो चाटुकारिता नहीं आता है, मुझे चमचे नहीं बन सकते किसी की, हमारी समस्या है ये। अपने पर भरोसा रखते हैं, जो हमारी जितनी हमारी क्षमता है उस क्षमता के अनुसार इज्जत बेच के जिस तरह से लोग काम करते हैं ना वो हमें पसंद नहीं है। और मैं आकांक्षा दुबे के साथ सिर्फ इसलिए खड़ी हूं कि कोई भी गलती कोई भी बात इतनी बड़ी नहीं होती कि हम किसी को उकसाएं या उसको इतना जो है परेशान कर दें कि वो मरने की बात करने लगे, आत्महत्या करने की बात करने लगे या कोई उसको हत्या कर दे। जीवन जब हम दे नहीं सकते तो उसको लेने वाले हम कोई नहीं होते हैं, बस यही कॉज है उस लड़की के साथ खड़े होने की। तुमको मिर्ची लगती है लगे डजेंट मैटर, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो निर्दोष है अगर उसने कुछ नहीं किया है तो कोई माइका लाल उसको दोषी साबित नहीं कर सकता। लेकिन उसके बाद अगर मुझे जो है ज्ञान अगर ये दिया जाएगा कि आप भी आकांक्षा दुबे के पास चली जाइए, 10 दिन में वो छूट के आ रहा है, तो ये कसीदा मत पढ़ो। कलाकार हो तो कलाकार रहो ना, महाराज हो तो महाराज रहो, योगी महाराज बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि ऑलरेडी योगी महाराज यहाँ पर हैं। कल तुम्हारे नाम पर जो है तुम्हारी आईडी का जो है कॉपी कर लिया, तुम्हारे नाम पर एक कंप्लेंट तो मैं करने जा रही हूँ कि इस तरीके की बात तुम लिख रहे हो। तो मैं आकांक्षा नहीं हूँ कि तुम जैसे बागड़ बिल्लो को छोड़ दूंगी, ठीक है, लीगल नोटिस जाएगा तुम्हारे पास, और जहाँ पे छुपे हो ना तुम्हारे तुम्हारे उससे जो है तुम्हारी आईडी से तुम्हारा आईपी एड्रेस निकल जाएगा, चिंता मत करो तुम, समझे। तुमको लगता है कि सब साला भोजपुरी में गवा रहे हैं, ठीक है, अब बहुत तुम भोजपुरी बोलो, राहुल गांधी के पास चली जाओ अंग्रेजी बोल रही हो, तो तुमको बताते हैं कि तुमको राहुल गांधी के पास जाना है कि तुमको लालू यादव के पास जाना है, रुको बताते हैं। बहुत तुम लोग जो है अपने आप को पीएचडी
भोजपुरी बोलने लगते हो, भोजपुरी में चार ठो गाना गवा लेते हो, तो तुम लोग अपने आप को पीएचडी होल्डर समझ लेते हो। तुम्हारा तुम्हारा पीएचडी तुमको समझाते हैं बहुत बढ़िया से, रुक जाओ, बहुत अपने आप को गुंडा समझ रहे हो तुम लोग, तो तमीज में रहो ज्यादा अच्छा होगा। हमसे मत उलझो, हम बस इतना ही कह रहे हैं। हम एक चीज बात सोच के चलते हैं कि जितने दिन तक महादेव जीवन लिखे होंगे ना, उतने दिन हम रहेंगे तुम्हारे जैसे माई के लाल में, जो है ना दम नहीं होगा, तुम्हारे जैसे 75 आ जाएंगे ना, कुछ नहीं होगा। महादेव के भरोसे रहती हूँ और महादेव की नगरी में जन्म लिया है, ठीक है, तो मेरे को सिखाओ मत, ठीक है। तुम अभी भौजी बोल रहे थे ना, तो तुम्हारी अम्मा है हम, याद रखो। मुझे स्वीट 16 कहने का कोई शौक नहीं है, समझे, कि तुम मुझे लड़की समझो। लड़की समझने की तो गलती भी मत करना, एक एक व्यक्ति ने बोल क्या दिया, किसी की वीडियो क्या शेयर कर दी, सारे साक्ष्य जो हैं, मतलब हमने शेयर क्या कर दिए, तुम लोग तो एकदम जो है भाई चरमरा गए तुरंत। मुझे तो समझ में नहीं आया कि तुम लोगों का सिस्टम कहां से बिगड़ गया, और कह रहे हो कि अगर ऐसी पोस्ट डालोगी तो हम ऐसे ही लिखेंगे। अब हम रोज आएंगे लाइव। अब तुम देखो चैनल जाएंगे, चलो अब न्यूज चैनल पर भी रोज आएंगे। अभी तक तो हम सोच रहे थे कि चलो पीछे रहते हैं, कोई जरूरत नहीं है। उंगली किए ना, अब हम बात करेंगे। तो अब तुम उंगली किए ना तुम लोग, अब हम बात करेंगे। चलो अब तुम देखो, अभी तो टेलर है, अभी पूरी पिक्चर बढ़िया से देखोगे तुम लोग। लेकिन जो निर्दोष है मेरा वजन है, लेकिन अभी भी कह रही हूँ कि अगर जो निर्दोष है उसको मैं कुछ होने नहीं, हाँ जो निर्दोष है उसको मैं कुछ नहीं होने दूंगी, मेरा वचन है, ये मेरा वचन है, ठीक है। और राजपूत का बच्चा हूँ, जो बोलती हूँ बहुत सोच समझ के बोलती हूँ। तुम लोग जैसा कहीं भी जो है ना पॉटी नहीं करती हूँ, समझे। आप लोगों से भी कहना चाहूंगी कि मौन धारण करना किसी समस्या का समाधान नहीं है। आप इस चीज का इंतजार मत करिए कि जब मेरे घर में आग लगेगी तभी मैं आवाज उठाऊंगा। जो लोग भोजपुरी इंडस्ट्री को अपना परिवार समझते हैं और जिस परिवार में रहकर आप अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वहां पर किसी एक लड़की के साथ गलत हुआ है। गलत किसने किया है ये मैं नहीं जानती, वो जांच का विषय है और सबूतों के आधार पर पुलिस अपनी जांच प्रक्रिया है पूरी करेगी। उस क्षेत्र में जो भी आएगा उससे पूछताछ होगी, उसकी जांच होगी, फिर जिस तरीके से है जो दोषी होगा वो सामने आएगा। लेकिन आप सबका मौन जो है ना, वो आने वाले बहुत बड़े तूफान का एक वो होगा। ये तो हो सकता है ये शुरुआत हो, आगे बहुत सारे लोग हों जो उनकी मर्जी से नहीं चलेगा, जो उनके हिसाब से नहीं चलेगा, उनको इसी तरीके से, क्योंकि हजार ऑप्शन है ये कहने के कि वो आत्महत्या नहीं हत्या है। हजार ऑप्शन है, हजार बातें हैं, हजार कॉजेज हैं ये कहने के लिए कि वो आत्महत्या नहीं हत्या है, ठीक है। लेकिन समय रहते सब कुछ सामने आएगा। जो जांच का विषय है वो जांच का विषय है, सभी पोस्ट डाल रहे हैं, मैंने अकेले तो पोस्ट डाली नहीं, सारे न्यूज चैनल पे चल रही है, सबने डाउनलोड करके डाला, मैंने भी डाला। अब मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि वहां पे जाके अंग्रेजी बोलने लगे तुम लोग, क्या जरूरत थी। तुम्हारा वाला निर्दोष है तो तुम निर्दोष साबित करो यार, हम कहां मना कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि अगर वो निर्दोष हैं तो उनको तो और आवाज उठानी चाहिए कि मैं निर्दोष हूं, मुझे फंसाया जा रहा है और मैं सीबीआई जांच की मांग करता हूं। हम उनका सपोर्ट करेंगे क्योंकि आकांक्षा के लिए हम सीबीआई की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उसके साथ गलत हुआ है। अगर आपके साथ गलत हो रहा है, अगर आप निर्दोष हैं, आपको तो मालूम होगा ना यार, हम जानते हो चाहे नहीं जानते हो, दुनिया जानती हो चाहे नहीं जानते हो, आप तो जानते हो ना कि आप निर्दोष हो, तो अपने हक के लिए आवाज उठाओ कि मैं निर्दोष हूं, मेरे साथ मुझे फंसाया जा रहा है, मैं मुझे जो है लोग फंसा रहे हैं, तो आप भी मांग करो सीबीआई की,
दोनों तरफ से मांग होगी तो शायद लोगों के कान में ज्यादा जूं रहेंगे और सही तरीके से निष्पक्ष जांच होगी तो दोषी बाहर आ जाएगा। मैंने क्या गलत बोला? इतना निष्पक्ष बात करने के बाद भी अगर तुम लोगों को बड़ी वाली मिर्ची घुसी हुई है ना, तो अपनी उस घुसी हुई मिर्ची को ना अपने साथ लेकर रहो, ठीक है? मेरे से मत उलझना, एक बार बोल दिया, दोबारा से मेरे मैसेंजर पर या कहीं पर भी ये फालतू चीजें लिखने की कोशिश मत करना कि तू आकांक्षा के पास जा, उन्हें के पास खुश रहा, 10 दिन में छूट के आ जाई है तो तू हमके जान से मार देबा। तो बता थी तोरे अंदर गुर्दा इतने रहत ना, बनारसी में बतिया थी कि तोहरे अंदर इतना गुर्दा रहत तो तू अपन DP पे फोटो अपन लगेता, बागेश्वर महाराज के ना लगेता और अपन एड्रेस देता, ठीक है? तो जितना गुर्दा रहेला ना उतने बतियावे के चाहिए। ढेर बोलल जो ना सेहत के लिए बहुत खराब होला, ठीक है? और हम गाईला जितना ना उतना तरीके से बजेबो करीला, ठीक है? तो संभर के भैया, हमसे ढेर मत बतियावा, हमसे ढेर बतियाबा, हमसे ढेर बतियाबा तो दिक्कत में आ जाइबा। तो लिखल बंद कर दा, स्वतंत्रता तोके जो चाहत है ना, तू स्वतंत्र आदमी हुआ तो कहीं भी तोके स्वतंत्रता है लिखे का, तो हम हूँ इतना स्वतंत्र हो जाए ना कि तब तोके दिक्कत हो जाए। तो कितनो बक्सर रहबा, उड़ीसा लिखा क्या है, इतने से उसका वाराणसी भी लिखा है, उड़ीसा भी लिखा है, बक्सर भी लिखा है, पता नहीं कहाँ रह लाकर घरों ना मालूम है। तो अभी बहुत लोगों के दिमाग में नया नया जो फॉलोअर बनेला ना, ओके बहुत गर्मी रहेला कि हम भैया का फॉलोअर है। तो पहले भैया समर जाए तब तू समर जाइया, ठीक है? पहले भैया समर जाए तब तू समर जाइया, और दूसरे के ढेर बोले के ना चाहिए। जवान देले हुआ भगवान तो के थोड़ा शांति से रखा, ढेर बोले के ना चाहिए, ढेर बोलने पे दिक्कत हो जाला। समझावत है कायदे से तो समझ जाइया, दोबारा से कुल लिखे पढ़े का कोशिश मत करिया। जब कह दिली तो एक बार कह दिली, ढेर समझाई लाना, जब ज्यादा दिमाग खराब हो तो फिर तू देखिया कि हम का कर सकीला, तब समझिया तू। इज्जत जे इज्जत से बतियावेला उसे बहुत बढ़िया से हम बतियाईला, और जे असलियत पे अपने आवेला ना तो ओके कितना बढ़िया असलियत पे ले आईला वो के मलमू ना है। एक थे आकांक्षा के भेज देला लोगन, जैसे जैसे कहत हुआ ना कि आकांक्षा के पास जा, एक जाने के भेज देला, सबके भेज देबा। मजबूर थी, परिवार का लोड था उसके ऊपर, मजबूर थी, परिवार का लोड था उसके ऊपर, उनकी जीवनचर्या चलानी थी, बर्तन धोकर बच्चों को पढ़ा दिया। उसकी माँ ने जो है बर्तन धो के दूसरे के घरों में उसको यहाँ तक जो है पहुँचाया था। इस भोजपुरी इंडस्ट्री में फीमेल सिंगर का और फीमेल आर्टिस्ट का ये मेल लोग क्या करते नहीं मालूम है हमको। वो चाहते हैं कि हमेशा स्टेपनी बन के उनके पीछे पीछे रहें, उनके वो जैसे इस्तेमाल करना चाहे वो इस्तेमाल हो, इस्तेमाल होती रहेंगी तब तक ठीक रहेगा, जिस दिन इस्तेमाल होना बंद कर देंगी। तो जिस तरीके से बाकी लोगों के साथ जो है तुम लोग ये सब करते रहते हो, उसका नाम रोशन जो है वो क्या है, मनु महाराज। तो मनु महाराज को टाइट करना थोड़ा ज्यादा जरूरी है, और आप लोग जितने लोग मुझे देख रहे हैं ना, आप सारे लोग जरा मनु महाराज को टाइट कर सकते हैं, ताकि उनको भी समझ में आए कि किसी को ऐसे ही बोल देना ना, बकबकाना ना, बकबकाए ना ज्यादा। और ये तो अभी मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म किया है, ये तो मैंने अभी आप लोगों को इन्फॉर्म किया है कि लोग कहते हैं ना कि लोग इन्फॉर्म नहीं करते, तो मैंने इन्फॉर्म किया है। बाकी लीगल ऐसे लोगों से निपटना मुझे बहुत अच्छे से आता है, और मुझे मालूम था, मैं इतने दिनों से सारी चीजों को देख रही थी, मुझे मालूम था जिस दिन मैं सामने आऊंगी या इस तरीके का कोई पोस्ट करूंगी तो ऐसे बागड़ बिल्ले निकल के आएंगे, तो आ ही गए आज, तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं, घंटा फर्क नहीं पड़ता, मार्क माय वर्ड, घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? और मिल लेना आके, मैं खड़ी, ठीक है, मैं खड़ी हूँ, जिसको भी जो जानना है समझना है समझ ले, और जीवन ईश्वर ने दिया है,
लेने का भी उसी का हक है, और मुझे जो है धमकी वमकी मत देना, ठीक है। मनु महाराज है, उसका आईडी जो है वो मनु महाराज के नाम से है, और उसने डीपी लगाया है बागेश्वर महाराज जी का, जो महाराज जी हैं उनका, बागेश्वर महाराज जी का फोटो लगाया है। बोलता क्या है कि मैं इनका चेला हूँ, तो मैंने बोला कि चेले की ऐसी भाषा, ठीक है, हमने कहा भगवान बने हो, तो कहता क्या है कि मुझे भगवान मान लो, तू भगवान बन भैल बड़ा। इन्हीं सारी बातों के साथ मैं तनु प्रियंका आप सभी से विदा लेती हूँ, लेकिन चुप आप लोगों की चुप्पी ही ऐसे लोगों की हिम्मत बढ़ाती है, तो कृपया पीड़ित का साथ दें और उसके विषय में कुछ बात करें। इन सारी बातों के साथ गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।